अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अब्दुल्ला खान अमीर आदमी के प्लेटफॉर्म से आज बहरे राउंड कराची से मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 6 माह में आपने पिछले 1.5 साल में तो देखा था कि प्राइस कितनी स्पीड से ऊपर जा रही थी और बड़ा ओवरवेलमिंग और पॉजिटिव मार्केट थी, लेकिन पिछले 6 महीने से मार्केट गिरते 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 इस नहज पर आ गई है कि मैं आज कंपेरिजन करूँगा कि आज से 3-4-5 माह पहले विलाज हमारे यहाँ पर जो एग्जिस्ट करते हैं भेरिया के बनाए हुए विलाज प्रशनमान 11, 27, 31, 35, इनमें क्या रेट थे और अब क्या रेट हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ बाइंग सेलिंग हेयर इन बेरी टाउन कराची। तो हम शुरू कर लेते हैं प्रश्न 2 से, कायद और इकबाल विला से। होता ये है कि जब ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तो जो बेचने वाला होता है वो बहुत पैसे मांगता है, खरीदने वाला भी रेडी होता है चीज़ों खरीदने क्योंकि रेट ऊपर जा रहा होता है। तो कायद विला जो 200 गज का विला है प्रश्न 2 में, ये 2.65 करोड़ रुपए से 3 करोड़ तक की डिमांड में चला गया। था और बिकता भी था, लेकिन अभी 2.50 करोड़ रुपए का बायर भी स्टैंड करना मुश्किल है कायद विला के लिए। 2.50 करोड़ का बायर भी स्टैंड करना मुश्किल है, यानी तकरीबन 25-30 लाख रुपए का कम से कम फर्क पड़ गया है इसकी सेलिंग रेट में। इकबाल विला जो 152 गज का है और जो एक खूबसूरत लोकेशन पर खूबसूरत प्रोडक्ट है, 2.10 से 2.15 करोड़ रुपए तक की डिमांड में चला गया था, और फिर भी अगर आप उसको 2-3 लाख नीचे की ऑफर देते थे तो सेलर बेचने को तैयार नहीं था क्योंकि मार्केट पॉजिटिव थी। अब चूंकि मार्केट टूट गई है और मार्केट टूटती जा रही है तो इस वक्त इकबाल विला 1.85 करोड़ रुपए से लेके 1.95 करोड़ रुपए के दरमियान कहीं खरीदा या बेचा जा सकता है। ओवरऑल जो सेंटिमेंट मैं आपको मार्केट का बताऊँ वो ये कि मार्केट में इस वक्त बायर ना होने के बराबर है। अब हम इससे आगे चलते हैं तो प्रश्न 10 और 11 जो बेहतर ऑल्टरनेट समझा जाता था 2 का, थोड़े से पैसे बचा के वो प्रेजेंट 10 और 11 में जाते थे। 10 और 11 में 150 और 200 गज दोनों विलाज हैं। तो अगर मैं आपको 10 का बताऊं जिसमें गैलरी है और सारी मार्केट है, तो 2.15 से 2.40 करोड़ रुपए तक की मार्केट हो गई थी 10 के 200 गज के विला की, और अब उसमें 15 लाख रुपए का फर्क पड़ चुका है। ये बिल्कुल ऑक्यूपाइड हैं, ये तमाम विलाज ऑक्यूपाइड हैं, फिर भी 15 लाख रुपए तक मार्केट नीचे गिर गई है। 2.05 करोड़ रुपए से लेके 2.25 करोड़ रुपए तक का की ट्रेड इसमें पॉसिबल है, इस वक्त बायर कम है। प्रेजेंट 11A इसमें, अच्छा मैं आपको बता चलूं कि 200 गज प्रेजेंट 10 और 11 तकरीबन सेम रेट है तो आप उसी तरह से उसको काउंट कर लीजिए। प्रेजेंट 11A में 152 और 11B में भी 152 गज के विलाज हैं। मैं ऊपर वाली हाइट वाली जो लोकेशन है 152 की 11A से चलता हूं, तो 1.80 लाख से 1.90 लाख रुपए तक डिमांड में चले गए थे लोग, ओवरवेलमिंगली ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, जो कि मेरे अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं थी जो वो पैसे मांग रहे थे ज़्यादा, और अब 1.60 से 1.65 लाख रुपए के दरमियान ये ट्रेड होता है, बायर कम है। 11B वो जो नीचे जिनको खड्डे वाले विला कहते थे, जबकि वो खड्डे वाले नहीं है क्योंकि आप पहाड़ पर खड़े होकर उसको खड्डा वाला बोल देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। 11B में 165 से 170 लाख रुपये तक विला की डिमांड थी, लेकिन अब 1.50 से 1.55 लाख रुपए के दरमियान आपको विला मिल जाएगा, 15 लाख रुपए का ओवरऑल फर्क इसमें भी पड़ गया है। 27 के विलाज 235 गज के विलाज हैं, पीछे की तरफ एक्स्ट्रा लैंड है, 1.90 से 2.40 लाख रुपए का आगे और पीछे वाले विलाज में रेट चला गया था। मैं अलग-अलग करके बताऊं तो 1.90-2 करोड़ पीछे वाले और 2.00 से लेके 2.25-2.50 लाख रुपए तक आगे वाले विलाज, अब 1.80 करोड़ रुपए से 2.25 करोड़ की ब्रैकेट है ओवरऑल। बैक वाले विलाज अभी भी आपको 1.75-1.80 लाख रुपए के मिल जाएंगे इफ यू नीड टू बाय, और इफ यू नीड टू बाय और सेल नीचे नंबर मौजूद है उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। प्रश्न 31 के विलाज, प्रश्न 31 235 गज सेम विलाज, प्रश्न 27 से 5 किलोमीटर मजीद आगे स्पोर्ट सिटी के साथ, 190 से 2.05 करोड़ रुपए तक रेट चला गया था, अब 1.65 लाख रुपए से 1.90 करोड़ में आपको अच्छे से अच्छा विला मिल जाता है। अगर आप लीस्ट वाले पे भी जाएंगे और 65 वाले पे भी, दैट्स अ वेरी गुड डील, इसमें इन्वेस्ट करने का टाइम है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पोर्ट्स सिटी विलाज, स्पोर्ट्स सिटी विलाज ऐसे विलाज हैं जिन्होंने पिछले 4-5-6 माह पहले और पिछले 1 साल
ऐसी हाइप क्रिएट किए रखी है कि 1,35,00,000 रुपए से रेट उठ के 2,70,80,00,000 रुपए पे, 3,00,00,000 रुपए पे चला गया था। और जो पीक पे इसका रेट था वो 2,65,00,000 रुपए से लेके 3,20,00,000 की ब्रैकेट थी। अभी अभी बात पहुंची तेरी जवानी तक, रेट गिरे हैं और गिरते चले जा रहे हैं स्पोर्ट्स सिटी विला के। 2,40,00,000 रुपए से लेके 2,80,00,000 रुपए के दरमियान आपको विला मिल जाता है। पिछले दिनों हमने एक विला बेचा है 2,45,00,000 रुपए का, कब्जे वाला रेडी तैयार, और अभी भी बाहर मौजूद नहीं है। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से 27% 33% 35% की तरफ थोड़े से रिलक्टेंट हैं लोग पीछे गेट के करीब आना चाहते हैं। तो ये थी इनकी अपडेट्स। पैराडाइज विलाज रह गए, पैराडाइज 500 गज के विलाज हैं। हमने 2,40,00,000 रुपए में भी ट्रेड किया है। इस वक्त उनकी कीमत 5,00,00,000 के आसपास है। कब्जा मिल चुका है, लोकेशन इज वेरी गुड, 5-बेडरूम विला, ओनली ऑप्शन क्रिएटेड बाय बेरी टाउन कराची। और ये हो गए ओवरऑल विलाज के रेट। क्या मार्केट और गिरेगी? जी, मार्केट अभी और नीचे जा रही है। क्या इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? जी हाँ। स्पोर्ट सिटी प्रश्न 31 और 11A वेरी गुड ऑप्शंस, इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आपको इकोनॉमिकल चीज मिले तो जरूर इन्वेस्ट करें, अच्छा रेंटल रिटर्न्स देंगी। और पैराडाइज विला मैं रिकमेंड नहीं करता, ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया है। इससे अगली वीडियो में कोशिश करूंगा जो प्राइवेट विलाज हैं मुख्तलिफ प्रश्न में जो लोग अपने बना के बेच रहे हैं उनमें रेट की ब्रैकेट को भी डिस्कस कर लूँ। कैसी लगी आपको वीडियो ये बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इफ़ यू नीड टू कंटिन्यू विद आवर वीडियोज। और टिल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।